सो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो एक्सटेंशन फॉर ड्यू डेट यहां पर जो है न्यूज आ चुकी है। सर क्या है न्यूज, आइए देखते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम आपको बताने वाले हैं क्या ड्यू डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है। सबसे पहले उस डाटा के बारे में बात कर लेते हैं जो यहां पर जारी किया गया है। नियरली मोर देन 5.1 करोड़ आईटीआर जो वो फाइल हो चुकी है 30 जुलाई 2022 तक, यानी 57 लाख आईटीआर, मोर देन 57 यानी अराउंड आप मान लीजिए 58 लाख की आईटीआर जो वो 30 तारीख को फाइल हो गई है। उसके साथ साथ यहां पर जो डिपार्टमेंट ने साफ साफ कह दिया है जो ड्यू डेट है, आज की डेट का ये डाटा है, जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई ही होगी, उससे आगे एक दिन भी नहीं बढ़ने वाली है। ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट थ्रू दिस आईटीआर फाइलिंग के डाटास को देखते हुए यहां पर कर दी गई है कि आईटीआर फाइलिंग एक दिन में यहां पर 58 लाख जो है आईटीआर फाइल हो रही है, यानी आज के दिन और यहां पर 60 लाख आईटीआर फाइल हो जाएगी। अराउंड नियरली ये जो टारगेट है अराउंड 6 करोड़ तक का इनका टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 करोड़ का जो टारगेट था पिछले साल को देखते हुए वो टारगेट यहां पर अचीव होने वाला है बिकॉज नंबर ऑफ आईटीआर यहां पर फाइल होने वाली है। तो अराउंड कल की डेट का देखा जाए तो कल 58 आईटीआर फाइल हुई थी, आज के हिसाब से मान लीजिए यहां पर 60 लाख की आईटीआर फाइल होती है, यानी एक घंटे में यहां पर जो है नियरली 4 से 5 लाख आईटीआर फाइल हो रही है। उसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ने यहां पर जो है हेल्पलाइन नंबर दिया है, अगर किसी टैक्स पेयर को दिक्कत है, टैक्स पेयर है, स्टेक होल्डर्स है, अगर उसे कोई भी दिक्कत है तो यहां पर 24/7 से जो हेल्पलाइन है वो आज के लिए खुली है, जिसके रिगार्डिंग ये कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है। तो आप यहां पर जो कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इनकम टैक्स पोर्टल पर रिटर्न फाइल करते वक्त, तो यहां पर जो है आप इन नंबरों पर जाकर जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इससे भी ये क्लियर हो जाता है कि यहां पर डिपार्टमेंट ड्यू डेट नहीं बढ़ाने वाला। अगर आपको कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है, रिटर्न फाइल नहीं हो रहा, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बट ड्यू डेट एक्सटेंशन के लिए यहां पर जो है वेट मत करिए। साफ साफ ये डिपार्टमेंट के तरफ से एक्शन की तरफ से, डिपार्टमेंट के जो एक्शन हो रहे हैं उसकी तरफ से समझ में आ रहा है। उसी के साथ साथ यहां पर जो है 27 जुलाई 2022 से लेकर 31 जुलाई 2022 तक ये हेल्पलाइन जो है 24 आवर्स जो है चालू रही है, जिसके वजह से जो भी कोई रिटर्न में दिक्कतें आ रही है वो सभी सॉल्व की जा रही है। आज का फिलहाल का एक घंटे का पहले का ये स्टेटिस्टिक्स हम आपको बता रहे हैं, जिसके अंदर यहां पर इन्होंने जारी किया है कि 1300 आवर्स के अंदर अंदर यहां पर 20 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल हुई है और एक घंटे में अब फाइल हो रही है सर 4.5 से लेकर 5 लाख तक आईटीआर फाइल हो रही है। यानी डिपार्टमेंट इस बार ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करने वाला। जो लोग वेट कर रहे थे एक्सटेंशन के लिए कि या तो 30 या 31 तारीख तक यहां पर जो एक्सटेंशन आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होने वाला, कोई भी आपको यहां पर जो एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला। तो ध्यान रखिएगा अपनी आईटीआर अगर आपने अभी तक फाइल नहीं करी है तो फाइल कर लीजिए बिकॉज कोई भी आपको एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। तो ये पूरी की पूरी यहां पर जो अपडेट है यहां पर आपके लिए है ताकि आपको पता चल जाए कि यहां पर जो है कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है। डिपार्टमेंट यहां पर कोई भी मूड में नहीं है कि डेट एक्सटेंड करने वाला है। अब एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से, यहां पर नंबर ऑफ आईटीआर फाइल हो रही है सर 60 लाख पर डे के हिसाब से, 58 लाख, 47 लाख, 36 लाख। ध्यान रखिएगा ये नंबर ऑफ आईटीआर जो फाइल हो रही है उसमें से मोस्टली आईटीआर विदाउट बेसिस ऑफ ओरिजिनल डाटा यहां पर फाइल हो रही है। तो ये जितनी भी आईटीआर फाइल हो रही है भले डिपार्टमेंट यहां पर नंबर्स को देखकर खुश हो रहा है, बट यहां पर जो आईटीआर फाइल हो रही है वो बेस्ड ऑन द अजम्पशन के बेस पे हो रही है। कोई भी डाटा एक दिन के अंदर यहां पर क्रिएट नहीं किया जा सकता। एक दिन के अंदर कोई भी इतना डाटा, बैंक से डाटा लेके आना, टीडीएस लेके आना, एम्प्लॉयर से, ये सभी चीजें यहां पर एक दिन के अंदर लेके आना वो पॉसिबल नहीं है। और इतनी नंबर ऑफ आईटीआर फाइल हो रही है मतलब यहां पर जो है आईटीआर जो फाइल हो रही है वो सभी की सभी मोस्टली यहां पर रिवाइज होने वाली है। तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यहां पर अभी भी अगर एक्सटेंशन दे देती है तो यहां पर जो नंबर ऑफ आईटीआर है वो सही से फाइल होगी जो नहीं फाइल हुई है। बट सरकार इस चीज को सुनना नहीं चाहती और सरकार ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड अब नहीं करने वाली है। तो आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है कि यहां पर जो है वेट मत करिए, 12 बजे तक का आपके पास समय है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है कोई इश्यू नहीं है, आप नेक्स्ट डे भर दीजिए। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो भी कोई इश्यू नहीं है, कल या फिर उसके बाद आप कभी भी 1000 रुपये पेनल्टी के साथ भर सकते हैं। बट अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा इनकम है और उसके नंबर ऑफ रिटर्न कम है तो उसके पर आप सोच सकते हैं 12 बजे से पहले पहले उनको रिटर्न को पहले फाइल करिए ताकि आपकी लेट फीस ज्यादा ना लगे। और फिर भी अगर आपकी आईटीआर रह जाती है तो क्लाइंट को पहले से ही बोल के रखिए कि यहां पर जो नंबर ऑफ आईटीआर है
ज्यादा है और समय कम दिया गया है, लास्ट टाइम में आप आए हैं तो आपकी लेट फीस यहाँ पर लगने वाली है। तो इससे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एडवोकेट है, उनकी जो टेंशन है, उनके पर जो प्रेशर पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा कम हो जाए। ऑलरेडी अपने क्लाइंट्स को बोल के रखिए, अगर आपकी फाइल हो जाती है तो ओके है, अदरवाइज आपको लेट फीस देनी पड़ जाएगी सर। तो ये छोटी सी अपडेट हमारी तरफ से आप सभी के लिए है कि ड्यू डेट का इंतजार बिल्कुल भी मत करिएगा एंड ड्यू डेट आप एक्सटेंड नहीं होने वाली है। सो आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।